आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर नाइन करने जा रहे हैं, और वर्कशीट है साइंस सब्जेक्ट की, और ये है सिक्स क्लास के लिए, और डेट है हमारी आज 23rd October 2020। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ये वही टॉपिक है जो हम प्रीवियस कई वर्कशीट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी कोई न्यूट्रिएंट जो हमें नहीं मिल पाता, उसके ना मिलने पर जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिजीजेस या फिर जो भी डिसऑर्डर हो जाता है उसको डेफिशिएंसी कहते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से, एक तरीके से कमी से हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाएगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कहेंगे डेफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. यही जो मैंने अभी आपको समझाया, एक इंसान को खाना तो मिल रहा है खाने के लिए, मतलब एक इंसान खाना खा रहा है, पेट भर रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर उस खाने के अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए हम सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाते रहें तो हम प्रोटीन ही खाते रहेंगे, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होता है बॉडी के लिए, हमें विटामिन भी चाहिए होते हैं, आयोडीन भी चाहिए होता है, आयरन भी चाहिए होता है। अगर हमें वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं प्रॉपर अमाउंट में तो, और ऐसा ही ज़्यादा समय तक चलता रहे तो हमारे अंदर उन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी। किसी भी न्यूट्रिएंट की, एक की या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई, कमी हमारी बॉडी में हो गई तो हमें कोई किसी भी प्रकार की डिजीज भी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, किसी प्रकार का डिसऑर्डर भी हो सकता है। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीज वो होती हैं जो हमारे लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट्स की, कोई हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, हमें लंबे समय से हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से जो हमारे को परेशानी होगी, जो हमें बीमारी होगी, उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो डेफिशिएंसी से हुआ है, क्योंकि वो किसी चीज की कमी से हुआ है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोई चीज़ ना मिलने पर हमें कोई परेशानी हो सकती है, इसी तरीके से यहाँ पर यही हुआ। इन्होंने हमें बताया कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को प्रोटीन नहीं मिला बहुत समय से तो उसे क्या होगा, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी स्टंटेड ग्रोथ की, स्वेलिंग ऑफ फेस स्वेलिंग हो जाएगी, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेज और डायरिया, ये सारी बीमारी उसको हो सकती है। इफ द डाइट इज डेफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ मे स्टॉप कम्प्लीटली। अगर हमें बहुत लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना मिले खाने को तो हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की वो रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नो इवन बी एबल टू मूव। अगर ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत पतला हो जाएगा, बहुत ही मतलब वीक हो जाएगा, और हो सकता है वो चलने फिरने की हालत में भी ना रहे। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. और deficiency diseases को कैसे हम prevent कर सकते हैं? एक proper balanced diet लेकर। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned. कौन से vitamin या कौन से mineral की deficiency से कौन कौन सी diseases होती हैं? ये हमें नीचे chart में दिया गया है। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद आप आगे समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए विटामिन ए अगर हमें नहीं मिलता है तो उससे कौन सी डिजीज होती है? लॉस ऑफ विजन, हमारे को देखने में प्रॉब्लम होगी, हमारी आई साइड जो है वो वीक हो जाएगी। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं पता क्या चलेगा हमें? पुअर विजन, हमें दिखना कम हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट,
हमें रात को दिखना बंद हो जाएगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को दिखना ही बंद हो जाता है बिल्कुल, ना दिन में ना रात में, मतलब इंसान अंधा हो जाता है इस तरीके से। इसी तरीके से विटामिन बी वन, विटामिन बी जो है उसके होने पर बेरी बेरी एक डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी एक डिजीज हो जाती है जो हमारी बॉडी, इसका कैसे पता चलता है, इसके लिए हमारे मसल जो होते हैं वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती है कोई भी काम करने के लिए, बहुत कम एनर्जी होती है। इसी तरीके से विटामिन सी में स्कर्वी हो जाती है, और इसमें क्या होता है जो हमारे मसूड़े होते हैं वो उसमें उनमें से खून निकलने लगता है, और इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, अगर हमें किसी तरीके की कोई चोट लग जाती है तो सही होने में बहुत टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी होने पर हमारे को रिकेट्स एक प्रॉब्लम हो जाती है, रिकेट्स जो होता है वो बोन्स जो होती हैं हमारी बॉडी की, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं बिल्कुल, और वो घूम जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी होने से अगर हमारी बॉडी में बोन एंड टूथ डिके, बोन में और टूथ्स में मतलब दांतों में प्रॉब्लम होने लग जाती है, वीक बोन हो जाती है, हमारी बोन्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं, और जो हमारे दांत हैं उसको गिरने लग जाते हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। आयोडीन की कमी होने से गोइटर एक बीमारी हो जाती है, गोइटर में क्या होता है ग्लैंड इन द नेक अपीयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, जो मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब हो गया मानसिक, जो मानसिक परेशानी हो जाती है बच्चों को, और जो ग्लैंड इन द नेक अपीयर सोलन, जो हमारे गले में आपने देखा होगा जो हम गला होता है गले में, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आप देखेंगे ये नीचे नीचे की साइड, ये गला सूज जाता है, ये जो यहाँ से नीचे से जो गला है वो सूज जाता है। और आयरन उसके बाद हमें दिया गया, आयरन की कमी से अनेमिया बीमारी हो जाती है, अनेमिया कैसे पता चलता है, ज्यादा वीकनेस होने से अनेमिया का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट मैं आपके आपसे हर वीडियो में करता हूं और इस वीडियो में भी जरूर करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो हमारी वीडियोस हैं अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज इनको लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कलीग्स के साथ इनको शेयर करें, और उनको भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, नेम द फॉलोइंग, हमें बताना है, ए पार्ट हमसे पूछा गया, और विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, कौन से विटामिन से हमें अच्छी आईसाइट मिलेगी, विटामिन ए से। मिनरल डैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी, कौन से मिनरल से मिलेगी, कैल्शियम से। अब विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग द वाउंड्स, विटामिन सी से। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ए वाला डैश इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या क्या कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी, बेरी बेरी कौन सी डिजीज, सॉरी बेरी बेरी डिजीज कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन बी की। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किस चीज की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज अपने हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, और दोबारा आपसे एक बार और कहूंगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से और जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।